आ जा रही है। साउंड 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 तो जा रही होगी। चलिए तो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या है हाल चाल सभी के? आजा। तो कैसे हैं आप सभी? चलो आजा एक बार सर क्या क्लास को शेयर वेयर कर दो। और कहाँ हैं सभी लोग एक बार जा सर क्या क्लास शेयर कर दें। और हाँ जी चलिए तो मैं विवेक सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए आने लगी। बिल्कुल 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 अब आवाज जाएगी आप सभी को, है ना? बढ़िया। चलिए और चलिए देखो दोस्त आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करता हूँ। और चलो सर आज क्लास के बारे में बात करते हैं। और देखो क्या, देखो आप सबके लिए सर क्या एक सेल चल रही है। इस सेल का नाम है सर क्या कि मौके पे चौका। देखो मौके पे चौका सेल चल रही है। जो बच्चा सर क्या, जो बच्चा बिहार एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहता है तो जाके सर क्या अपनी बैच ले सकता है। 3 महीने की बैच आपको मिल जाएगी, 6 महीने की बैच है। आप अपने अकॉर्डिंग सर क्या बैचेस ले सकते हो। तो 3 महीने की बैच की आपकी कॉस्ट कितनी होगी? तो अगर करीब आपको 200 से 300 रुपये होगी। आप आज ही जाएं, अपना कोड विवेक के का प्रयोग करके मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। देखो सर पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है बताइए दोस्त। कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज फाउंड इन व्हाट दैट इज फाउंड इन पैरामीशियम। जरा मुझे बताओ। हेलो सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल सैम भाई आज बाबू जी का बर्थडे था। आज नहीं कल था, कल था, आज नहीं था। आ जाओ सर डेट आगे बढ़ेगा क्या? डेट का तो अभी कुछ ऐसा हम कह नहीं सकते कि डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एक बार मैं आपके क्लास को भी यहाँ ओपन कर लूँ। एक सेकंड दोस्त, कमेंट कहाँ से, कमेंट कमेंट। चलिए देखो द नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाउंड इन सर, देखो द नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाउंड इन पैरामीशियम। देखो जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के अंदर देखो अगर मैं न्यूक्लियस की संख्या के बारे में बात करूं तो पैरामीशियम क्या है? सबसे पहली बात तो पैरामीशियम आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है दोस्त? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के बारे में मैंने आप सभी को बताया कि देखो जो प्रोटोजोआ होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? याद रखोगे सर क्या, ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब देखो जब ये यूनिसेलुलर होते हैं यानी यह एक कोशिकीय होते हैं। और जब यह एक कोशिकीय होते हैं तो एक कोशिका, अब एक कोशिका तो एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होगा। तो याद रखोगे कि पैरामीशियम के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, इस बात को आप याद रखोगे। और पैरामीशियम को ही हम चप्पल जंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो याद रखोगे इसे ही हम कहते हैं क्या, इसे ही हम कहते हैं चप्पल जंतु। हमेशा इस बात को आप याद रखोगे कि देखो जो पैरामीशियम है इसे क्या कहा जाएगा, इसे चप्पल जंतु कहा जाएगा। और इसके शरीर में सर क्या एक ही कोशिका पाई जाएगी, इस बात को आप याद रखोगे। सर फूल गोभी क्या है? व्हाट इज द कॉलीफ्लावर? आसान सवाल है बताओ सर कि फूल गोभी क्या है? व्हाट इज कॉलीफ्लावर? यह फ्रूट है, फ्लावर है सर, पुष्पक्रम है या बर्ड है? बताइए सर कि आपका जो कॉलीफ्लावर है सर बताओ जरा, फूल गोभी क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नूतन पांडे राज, एक केंद्रक, एक केंद्र, आर आफरीन, प्रतिभा कुमारी, फटाफट सर के सेशन को शेयर करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बढ़िया 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 शानदार बढ़िया। चलिए आ जाएंगे। देखो दोस्त क्या कह रहा है कि फूल गोभी क्या है सर? फूल को भी एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, याद रखोगे। यह क्या है? यह एक प्रकार का पुष्पक्रम है, इस बात को आप याद रखना। यह क्या है? यह एक प्रकार का फ्लोरेसेंस है, याद रखोगे। नेक्स्ट फाइलेरिया रोग का कारण क्या है बताओ दोस्त? देखो जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय। देखो मेरे दोस्त आप सभी से एक सवाल पूछा है कि देखो जो फाइलेरियासिस है जिसे आप फाइलेरिया कहते हो, फाइलेरिया किस वजह से हो जाएगा? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, गोल कृमि द्वारा या चपटे कृमि द्वारा? सर एक सिंपल सा सवाल है आप सभी से पूछ रहा है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, गोल कृमि या चपटे कृमि? विनय कुमार यादव स्वागत है, प्रतिभा कुमारी, रचिता रॉय, ओके सी, विनय कुमार यादव, पुष्पक्रम।
अमित कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रियांश बटिया, प्रिया कुमारी, विनोद कुमार सिंह, सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस्तकबाल रशीदौर कह रही है बी। तेरे को जो फाइलेरिया, फाइलेरिया आप सभी को होता है गोल क्रीमी से होता है। राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म किसे कहते हैं तो याद रखोगे, देखो दोस्त जो राउंड वॉर्म होता है, आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है कि देखो जो राउंड वॉर्म है वो किसे कहते हैं, तो राउंड वॉर्म याद रखोगे सभी के सभी, सभी सभी मेरी एक बात याद रखना कि राउंड वॉर्म किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं एस्कैरिस को। किसे कहते हैं दोस्त, तो यह एस्कैरिस को कहते हैं। और एस्कैरिस किस संघ का जीव होता है तो याद रखोगे, यह आपका एस्के हेलमेंथीस का जीव होता है। और इसमें जो मेल्स होते हैं वो फीमेल से छोटे होते हैं और यह राउंडेड शेप में होता है, इसलिए उसको राउंड वॉर्म कहते हैं। चपटे कृमि फ्लैट वॉर्म, इसके अंदर टीनिया सोलियम जो प्लेटी हेलमेंथीस का वो आ जाएगा। वायरस से आपको पता ही है, माई शिमरी शिप्रा, ये सारे रोग हैं। और बैक्टीरिया से आप सभी को पता है कि पंडित का टीका न्यूसा है, आप सभी को ये पता होगा कि मसूरों से खून का निकलना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, ये भी एक आसान सवाल है। देखो जो मसूड़े हैं, मसूड़े देखो दोस्त क्या कह रहा है सर को, जो आपके गम्स हैं, गम से खून किसकी कमी से आता है, बहुत बढ़िया बी बी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनी बेटा, बस आनंद शर्मा, राहुल राज, एस्कैरिस, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो दोस्त क्या कहता है कि मसूड़ों से खून निकलना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी का कारण होता है, एक आसान सवाल जो भैया क्या जो सारे बच्चे बता दोगे बी इज द राइट आंसर, बी बी बी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। देखो जो विटामिन सी है जिसे किस नाम से जानेंगे, तो आप सभी को पता है जिसे हम कहते हैं द एस्कॉर्बिक एसिड, क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से ही क्या होता है, तो इसकी कमी से ही आप देख पाओगे सर क्या, तो मसूड़ों से खून का आना जिसे पायरिया या एस्कर्वी दोनों कह दिया जाएगा, लेकिन जो पायरिया है वो किससे होगा, वो परजीवी से होगा। कौन सा परजीवी, तो एंटा अमीबा जिंजिबेलिस, कौन सा परजीवी मेरे दोस्त, तो याद रखोगे एंटा अमीबा जिंजिबेलिस से पायरिया होता है, लेकिन विटामिन सी, विटामिन सी क्या है सर, तो आप सभी को पता है इसका इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनर ब्यूटी विटामिन, इसे क्या कहते हैं, इसे इनर ब्यूटी विटामिन कहते हैं। आंतरिक खूबसूरती वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। अगर वहीं पे बात करें, विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं बनता है, विटामिन सी क्या है सर, तो ये मूत्र के साथ बाहर हो जाता है। गर्मियां आते ही सर विटामिन सी कम हो जाता है, तो इन सभी के बारे में आप जानते हो क्या, विटामिन सी, विटामिन डी द कैल्सिफेरॉल, विटामिन के द फिलोक्विनोन, और विटामिन क्या के बी क्या होता है सर, तो यह आपका थायमिन होता है, याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है, यह भी एक आसान सवाल बनता है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा मात्रक है, यूनिट है, जो एनर्जी का नहीं है। सर देखो एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, भाई क्या आपने कितना वर्क कितने टाइम में किया, ये क्या है सर, ये आपकी ऊर्जा हो जाएगी, द वर्क अपॉन टाइम। अब इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो मैंने जब भी आपको एनर्जी के बारे में बताया है तो एनर्जी में तो याद रखोगे सर क्या, वॉट, वॉट वॉट आर, किलोवाट आर या जूल, इसमें से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है। देखो जो वॉट है, वॉट किसका मात्रक होगा, ये शक्ति का मात्रक होगा, याद रखोगे दोस्त, ये शक्ति का मात्रक होगा सर क्या आपका वॉट। जूल क्या है सर, तो जूल याद रखोगे किसका है सर, ये भी शक्ति का भी है, ये शक्ति का भी है और ये कार्य का भी है, ये शक्ति का भी है, कार्य का भी है। वॉट आर ये भी शक्ति का है, ये भी क्या है सर, ये भी शक्ति का है, लेकिन जो किलो वॉट आर है याद रखोगे तो यह बिजली यूनिट का है, ये किसका है सर, तो यह बिजली यूनिट का होता है कि आपने कितनी सर क्या बिजली यूनिट खपत की है उसके बारे में आता है सर। तो द किलो वॉट आर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 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 सही बन के आएगा, याद रखोगे ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या कहता है, वायुमंडल का दाब मापते हैं, ये भी आसान सवाल है, सारे के सारे बना दोगे कि द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई, बताओ दोस्त कहाँ है सारे, मतलब दो दिन क्लास नहीं हुई, तुम लोग क्या सर, तुम लोग गड्ढे में गिर गए हैं, बताओ कि वायुमंडल के दाब को मापते हैं, द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई, बताओ दोस्त कि क्या कह रहा है आप सभी से कह रहा है कि द एटमोस्फेरिक प्रेशर, देखो जो आपका वायुमंडलीय दाब है इसको किससे मापते हैं जरा मुझे बताओ, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। और आपको पता है कि देखो जब भी बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक कम हो जाए, जब भी बैरोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, एकाएक कम हो जाए, तो याद रखोगे तूफान आने वाला है, ये क्या बताएगा, तो यह जो बैरोमीटर है इस बात को बताएगा, हमेशा हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड कौन बनाएंगे, देखो दो बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड एक होता है पाई बॉन्ड, सर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, याद रखोगे सिग्मा बॉन्ड होता है वह लैटरल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, तो ये पार्श्व बॉन्ड होते हैं, और जो पाई बॉन्ड होते हैं ये कौन से होते हैं, तो ये ओवरलैप बॉन्ड होते हैं, तो इसमें से वह कौन सा तत्व है जो दोनों बॉन्ड को बना देगा, बताओ दोस्त इसमें से कौन सा तत्व है, तो याद रखोगे जो आपका हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब आपका किसके साथ जाएगा,
तो हाइड्रोजन जब आपका H2O के साथ जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन जब आपका अमोनिया के साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जाएगा, जब अमोनिया के साथ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बना देगा। देखो कैसे दोस्त, द एन एच एच एच, तो देख लो आपका सर क्या ये एन एच एच सर याद रखोगे तो ये आपके क्या होते हैं, तो ये सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को बना देंगे, ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, है बताओ सर, केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पुष्पा कुमारी, बानो परवीन, बेटा रचिदा, बढ़िया, राहुल कुमार, किरण सिन्हा, पुष्पा कुमारी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल है। जरा मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसी भी वस्तु का जलना, कटना और फटना। सिंपल सी बात है, कोई वस्तु जल गई है, कोई वस्तु कट गई है, कोई वस्तु फट गई है, सर वो क्या होगा, वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। या अगर साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से सर क्या, जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट जो उत्पाद है, उत्पाद से कभी भी रिएक्टेंट ना मिले, कभी भी क्या ना मिले दोस्तों, कभी भी रिएक्टेंट ना मिले, अभिकर्मक ना मिले, उसे क्या कहा जाएगा, उसे केमिकल प्रोसेस कहा जाएगा। और वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यह एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस हो जाएगा, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, अग्निशामक से निकलती है, अग्निशामक जो गैसेस होती है, अग्निशामक से क्या निकलता है जरा मुझे बताओ दोस्त। देखो जो अग्निशामक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है, याद रखोगे इससे क्या निकलता है जरा मुझे बताओ दोस्त, कि फायर एक्सटिंग्विशर से क्या निकलता है, आपका हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, जरा मुझे बताओ। बढ़िया, बेहतर बेहतर, बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तही दोस्त कि सर वो क्या कह रहा है, सर याद रखोगे कि अग्निशामक से क्या निकलता है, देखो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इनसे याद रखोगे, इनसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, याद रखोगे, देखो जो आग होगी, जो फायर होगा, क्या होगा दोस्त याद रखोगे, जो फायर होगा, फायर का कॉन्टेक्ट किससे, तो फायर का कॉन्टेक्ट एयर से रोक देगा, क्या करेगा, तो फायर का कॉन्टेक्ट सर देखो एयर से रोक देगा, याद रखोगे, देखो कौन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस बात को आप याद रखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ये याद रखना। तो क्या हो जाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रयोग अग्निशामक में करते हैं, हमेशा हमेशा इस बात को याद रखोगे। पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं, द टू एलिमेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन द अर्थ सरफेस। देखो जो अर्थ का सरफेस है इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, दोस्तों कौन कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, क्या है दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा इसका, बताओ। बढ़िया, सुधीर कुमार, शरीफ आलम, अनिता आशुतोष, विनय कुमार यादव, भाई डी लगा के सी लिख रहे हैं, सोए नहीं कल से। अच्छा सर देखो पृथ्वी की सतह आम तौर पे दो तत्व, देखो आप सभी को पता है सर क्या, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सिलिकन हो जाएगा, फिर अल्मोनियम हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, द सिलिकन एंड ऑक्सीजन, याद रखोगे कि देखो सिलिकन और ऑक्सीजन ये आपके एलिमेंट हो जाएंगे। द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखोगे ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, टिटनेस बीमारी किसके कारण होती है, बताओ सर कि देखो जो टिटनेस है, टिटनेस किससे होता है, बताओ। मुसर्रत, स्वागत है आपका, बानो, वत्स, रचिदा, राहुल, प्रतिभा, दोस्त प्रतिभा। सर देखो जो टिटनेस है, टिटनेस किससे होता है जरा मुझे बताओ, सर देखो जो टिटनेस नाम की बीमारी है ये किससे होती है, तो याद रखो देखो जो टिटनेस होता है, टिटनेस आपका बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, तो आप सभी को पता है द बैसिलस टिटैनी, कौन सा दोस्त याद रखोगे, देखो जो आपका बैसिलस, बैसिलस टिटैनी है, कौन सा दोस्तों, बैसिलस टिटैनी नाम का बैक्टीरिया है, जिससे क्या होता है, जिससे टिटनेस नामक बीमारी होती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो याद रखोगे यह जो बीमारी, इस बीमारी को धनुषकार कहा जाता है, क्या कहता है दोस्त, तो याद रखोगे इस बीमारी को हम धनुषकार कहते हैं, या इसी बीमारी को याद रखोगे लॉक जॉ, इसी बीमारी को लॉक जॉ के नाम से जानते हैं या धनुषकार के नाम से जानते हैं। और याद रखोगे टिटनेस की बीमारी में कौन सा टीका लगता है, तो याद रखोगे कि टिटनेस की बीमारी में या तो एटीएस का टीका लगा दो या तो डीपीटी का टीका लगेगा, एटीएस और डीपीटी, एंटी टिटनेस सीरम और डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ये दो टीके लगते हैं याद रखोगे, और यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमता हुआ बताया था, आसान सवाल, बढ़िया बढ़िया बताओ दोस्त, द बेसिलस टिटैनी, लॉक जॉ, अंजलि कुमारी, राहुल, राहुल राज, बढ़िया बढ़िया, बेहतर बेहतर,
तुम लोग छठ पूजा का भी फीवर नहीं उतरा क्या तुम लोगों का? नहीं सिस, मैं रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी शेयर करूंगी। रचिदा रॉय, अरे क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड है। आज तारीख कौन सी है? तो आज तारीख है आपकी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर है ना, और रात के सर क्या 10 के बाद ही कुछ बजे होंगे, है ना। अगर मैं एग्जैक्टली देख के बताऊं 10:21 हो रहे हैं, है ना। नो रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास है ब्रो। याद रखोगे आर्यभट्ट, देखो जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने क्या कहा था सर? देखो आर्यभट्ट है जिन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे ही रिवॉल्व करती है। याद रखोगे इस बात को सर कौन? आर्यभट्ट। बाहिर मिहिर एक सर क्या, यह एक जियोलॉजिस्ट थे, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने सर क्या न्यूटन से पहले बता दिया था कि सर क्या पृथ्वी का जो बल है, कोई पृथ्वी के ऊपर बल कार्य करता है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, वो ब्रह्मगुप्त है। और भोज सर क्या, तो कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। सिंपल सी बात सर कि एक स्पंज को, कोई स्पंज है पानी में डुबोकर निकाल लेने के बाद भी उसमें पानी रहता है, ऐसा क्यों? केशिका के कारण, पानी तथा स्पंज के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण कारण, पानी तथा स्पंज अणुओं के बीच बल आकर्षण कारण, वायु के उत्क्षेप के कारण। तो दोस्त क्या होता है? बढ़िया सर, आप बहुत जल्दी आ गए घर से। नहीं, मैं घर से नहीं आया हूं, मैं घर पे ही हूं, है ना, मैं घर पे ही हूं। याद रखोगे है ना, मैं घर पे ही हूँ। हाँ, बट क्लास आपकी जा रही है। मैंने आपको कहा था कि देखो हमारी डेडिकेशन आपके लिए एक अलग लेवल की होती है। आपको भी पता है कि जब हमने दीपावली को क्लास दी, बस आपकी क्लासेस 28, 29, 30 नहीं हुई, जो मैंने आपको पहले ही कमिट कर दिया था कि मैं इस दिन क्लास नहीं लूंगा, बट 31 से मैं आपके सामने लाइव हूँ। याद रखोगे है ना सर? देखो याद रखोगे सर क्या, केशिका कार्य, देखो सर क्या, देखो केशिकत्व का नियम होता है कैपिलरी एक्शन। देखो जो कैपिलरी एक्शन है इसमें क्या सर, देखो जो ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स ड्रॉप्स टू ड्रॉप्स, ड्रॉप्स टू ड्रॉप्स, ड्रॉप्स टू ड्रॉप्स, क्या होता है? वाटर क्या होता है सर? वाटर फ्लो होता है। याद रखोगे तो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, याद रखोगे दोस्त क्या होता है? केशिका का कार्य के कारण। ठीक है, बढ़िया। रमेश बानो परवीन, नेक्स्ट सर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? सिंपल है ये भी दोस्त, इसमें से वो कौन सा विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, बताइए। रेयांश ए ही होगा, प्रतिभा जी ए, अंजलि कुमारी बढ़िया, प्रतिभा कुमारी बढ़िया बढ़िया, बताइए दोस्त क्या हो जाएगा? बेहतर, देखो क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देखो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है वो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन है रेटिनॉल। देखो जो रेटिनॉल है सर क्या, तो याद रखोगे यह विटामिन ए से, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका नाम है सर? विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या दोस्तों? रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया, ये तीन रोग होते हैं। याद रखोगे दैट इज द रेटिनॉल, जो गाजर से, आम से, पपीते से, सेब से प्राप्त होता है वो है रेटिनॉल। याद रखोगे राइबोफ्लेविन द विटामिन B2 हो जाएगा सर। देखो जो आपका थायमिन है विटामिन B1 हो जाएगा, फॉलिक अम्ल विटामिन B9 हो जाएगा, याद रखोगे पैराडॉक्सिन विटामिन B6 हो जाएगा, बायोटिन विटामिन B7 हो जाएगा, नियासिन विटामिन B3 हो जाएगा, पैंटोथेनिक विटामिन B5 हो जाएगा और साइनोकोबालमिन विटामिन B12 हो जाएगा। याद रखोगे सारे के सारे कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, ये भी आसान सवाल है। बताओ कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है सर? जय माता दी प्रतिभा जी, कभी हमें भी जय माता दी कह लो ब्रो, है ना। ओम आशो, नेहा सिंह, नेहा जी स्वागत है आपका। रचिदा ठेकुआ नहीं खिलाओगी ये? प्रमोद कह रहे हैं कि रचिदा ठेकुआ नहीं खिलाओगी। अरे जान तो दोस्त कि छठ में ना गोबर भी रखा जाता है, वो भी मांग लो। ठेकुआ पहले मांगोगे? बेवकूफ कहीं का। सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सिंपल है दोस्त, याद रखोगे दैट इज द विटामिन डी, है ना, दैट इज द विटामिन डी, है ना, विटामिन डी। तो देखो विटामिन डी क्या है ब्रो, याद रखोगे ये है कैल्सीफेरॉल। क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और आपको पता है ये दोस्त कि इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉर्मोन विटामिन। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हार्मोन विटामिन कहते हैं क्योंकि यह आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बन जाता है। याद रखोगे क्या होता है दोस्तों? यह आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बन जाता है, याद रखोगे, और इसीलिए इसको हार्मोन विटामिन कहते हैं। ऑटोमेटिक कैसे बनेगा? तो आपकी बॉडी के अंदर सर क्या एक तत्व होता है, इसे कहते हैं इर्गेस्टेरॉल। अब इर्गेस्टेरॉल क्या करता है दोस्त? तो याद रखोगे ये रिएक्ट करता है सनलाइट के साथ और विटामिन डी की फॉर्मेशन कर देता है। याद रखोगे विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स नाम की बीमारियां होती हैं। याद रखोगे है ना, बढ़िया। नेक्स्ट सर,
पीओपी कैसे जमेगा बताओ सर, पीओपी है, पीओपी कैसे जमा होगी बताओ। हाँ बढ़िया सर, बैंगलोर से क्लास कर रहे हैं। ठीक है, बताओ कि किसके कारण पीओपी जम जाता है बताइए। तो फटाफट आंसर करते रहो। बढ़िया, तुम वो क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्या ब्रो? आ जाओ देखो सर, को जो पीओपी किसके कारण जमता है सर, को जो पीओपी होता है, पीओपी किसके कारण जमता है सर, को जिसे आप पीओपी कहते हो, पीओपी क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है दोस्त? तो जो पीओपी इसे कहते हैं द प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखो ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या? तो इसे हम कहते हैं द प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा द CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब देखो इसे कहते हैं सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। सेमी हाइड्रेटेड, सेमी हाइड्रेटेड मतलब सर क्या, हाइड्रेटेड मतलब पानी, पानी को निकाल लिया गया मतलब डिहाइड्रेट कर दिया गया है, डिहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आसो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डिसाइडेड दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो अच्छा सवाल है, वो कौन सी घटना है जो ट्रांसवर्स नेचर को बताएगी? भाई सर कुछ बच्चे आज बहुत थके होंगे। हाँ ये भी है। बड़े भैया आपने मेरे साथ नाइंसाफी कर ली, सबको पिक दिखाए मुझे नहीं दिखाए। अच्छा देखो सर क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंगे सर क्या, निम्नलिखित में से कौन सी घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है? याद रखोगे दोस्त कौन सी? तो देखो ये होता है सर क्या, अनुप्रस्थ का गुण है ना सर क्या, तो 90 डिग्री का एंगल। याद रखो कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल जब भी किसी सर क्या, तो याद रखोगे कण की दिशा और तरंगों की दिशा के बीच में बनेगा, उसे कहते हैं सर क्या, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। याद रखोगे क्या हो जाएगा, ये पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का एग्जाम्पल आप सभी को पता है, टॉर्च। आप क्या करते हो दोस्त? तो आप करते हो टॉर्च लेते हो। अब आप जिधर जिधर टॉर्च जलाओगे प्रकाश उधर उधर ही जाएगा। मान लो सर क्या मैं इधर सर क्या इधर टॉर्च जला रहा हूं, सब प्रकाश इधर नहीं जाएगा, प्रकाश इधर ही जाएगा, याद रखोगे है ना। ग्रुप में फिर से शेयर कर दीजिएगा। हाँ हो बिल्कुल बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक। दो दोस्त किसमें से सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन हो जाएगा बताओ? वो ठेकुआ का बुखार नहीं उतरा अभी तक है ना। चलो आज ही खत्म हुआ ना, आज तो भाई पारन वारन किए हो गए। मिस्टर लोनली, मिस्टर लोनली है ना सर, सिन्हा भाई के पास है। सुनो प्रिया बानो आ रहा हूं। स्टील 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 स्टील, या तो कोई दोस्त क्या हो जाएगा? देखो जो स्टील है, स्टील क्या सर सबसे अधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा। स्टील इस तरह क्या था, मोर इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है सर? से मान लो कि कोई ये धातु है ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया तो अपने शेप में चेंज कर लिया, फिर मैंने प्रेशर हटा दिया, ये वापस अपने शेप में आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रत्यास्थ था। और याद रखोगे सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन हो जाएगा? तो आपका स्टील हो जाएगा। याद रखोगे रबर, रबर की क्वालिटी याद रखोगे कि रबर के अंदर क्या ऐड करके, तो रबर के अंदर जब भी आप सल्फर ऐड करोगे, रबर के अंदर आप क्या ऐड करोगे, तो रबर के अंदर जब भी आप सल्फर को ऐड करोगे सर क्या, रबर क्या हो जाएगा? तो रबर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी ही प्रक्रिया को कहते हैं वल्नीकरण। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को कहा जाता है वल्नीकरण, द वल्केनाइजेशन, द वल्केनाइजेशन, द वल्केनाइजेशन है ना। क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसे ही वल्केनाइजेशन कहा जाएगा, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा प्लांट हार्मोन है? सिंपल सवाल एक और, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन, इंसुलिन, जिब्रेलिन, एंड्रोजन या एस्ट्रोजन? देखो इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ। तो बताओ सर इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? बढ़िया राहुल आ रहा हूं, राहुल राज, गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब भी लोहे के ऊपर जिंक की पट चढ़ाते हैं, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन। नविता सी 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 सिंपल है। देखो हमारे पास पांच प्लांट हार्मोन होते हैं, सबसे पहला कौन सा, ऑक्सिन। सबसे पहला कौन सा, तो ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, तो यह पौधे की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा होता है साइटोकाइनिन, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा साइटोकाइनिन। साइटो मतलब होता है सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, जो सेल के अंदर डिवीजन को लेके आए। तीसरा होता है सर क्या, जिब्रेलिन, जो फूलों की मोटाई बढ़ाए, कौन सा, तो याद रखोगे तो जिब्रेलिन। और चौथा कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड, कौन सा होगा, एब्सिसिक एसिड। और जो पांचवा होगा, पांचवा कौन सा होगा, पांचवा हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन। ये सर क्या, ये पांच आपके प्लांट हार्मोन हो जाएंगे, याद रखोगे, जिसके अंदर जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन की खोज कुर्सोवा ने की थी, याद रखोगे। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन हो जाएगा मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या हो जाएगा, यह आपका मेल सेक्स हार्मोन हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्ट्रोजन आपका फीमेल सेक्स हार्मोन। ये क्या हो जाएगा, यह फीमेल सेक्स हार्मोन आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा। इंसुलिन हमारे शरीर में बनने वाला हार्मोन है और यह डहेलिया की गांठों से प्राप्त होता है, याद रखोगे, है ना। इतने दिन किस गुफा में गए थे आप, दो दिन क्लास नहीं हुई, दो दिन को इतने दिन कहते हैं, तो भैया क्या ही बताएं। अंगूर में पाया, द ग्रेप्स आर फाउंड इन, बताइए दोस्त, द ग्रेप्स आर फाउंड इन, बताइए दोस्त, बढ़िया। मुसर्रत सर के उसाइड येलो में है, सर के उसाइड येलो में है, मतलब अच्छा देखो, अंगूर में, अंगूर में कौन सा एसिड होगा सर, द टार्ट्रिक, याद रखोगे सर क्या, टार्ट्रिक एसिड अंगूर में पाया जाएगा। और देखो इमली में भी टार्ट्रिक होगा। देखो जब आपके पास होता है सर क्या, तो आपके पास क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, द Na2CO3, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज करने के लिए सर क्या, तो टार्ट्रिक एसिड ही ऐड करते हैं, याद रखो, इसे टार्टराइजेशन कहते हैं, याद रखोगे। लैक्टिक एसिड किसमें होगा महाराज, तो याद रखोगे, देखो दोस्तों लैक्टिक एसिड है यह मिल्क में होगा, मिल्क में, दूध में होगा, ठीक है। देखो जो सिट्रिक एसिड किसमें होता है, यह होता है सर किसमें, यह होता है नींबू में, नींबू में। और सल्सिलिक एसिड सर किसमें होता है, तो यह दवा में होता है, याद रखोगे, दवा में, है ना। कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और घनत्व में पृथ्वी के बराबर होगा, बताओ सर, कि सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जो सर क्या, अच्छा 8 बजे वाला क्लास क्यों नहीं हो सर, उसको रोका है मैंने, 8 बजे वाली क्लास वो 26 नवंबर के बाद होगी। तो सर कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग बराबर है, कौन सा है दोस्त, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। देखो जो शुक्र ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, इसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्त, इसे भोर का तारा कहते हैं, इसे शाम का तारा कहते हैं, और सर सूर्य के सबसे नजदीक भी यही आता है। और याद रखोगे कि शेप, साइज, वेट सब में पृथ्वी के बराबर होता है, याद रखोगे, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, फोबोस और डोमास दो इसके उपग्रह हो जाएंगे। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह 82 हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है टाइटन, और प्लूटो, प्लूटो सर खुद एक ये क्या सर, ये ड्वार्फ प्लैनेट है, क्षुद्र ग्रह है, जो कई सालों बाद सर क्या एक चक्कर पूरा करता है कई सालों में, इस वजह से इसे सर क्या सौर मंडल से बाहर भी कर दिया गया है, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, एक व्यक्ति का भार अपने लिफ्ट में दोगुना हो जाता है सर, देखो कोई व्यक्ति है उसका भार लिफ्ट में दोगुना हो जाता है, लिफ्ट में हम ट्रेवल कर रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो कब ऐसा होता है, जब आपको अपना वेट दोगुना लगता है, बताओ उसका त्वरण क्या होगा, नीचे की ओर ऊपर की ओर, 0 या 2g सर क्या, 2g ऊर्ध्वाधर या दोगुना ऊपर की ओर, बताओ क्या हो जाएगा, है ना, बढ़िया। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका आंसर, तय है, बढ़िया। देखो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार के दोगुना होता है, दोगुना, 2 times है। अब देखो ऐसा कब होगा, जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान इनक्रीज करेगा। जब भी लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो सर क्या, जी का मान
जी का मान, जी का मान डिक्रीज डाउन हो जाएगा, और जब भी लिफ्ट टूट जाएगी है ना, तो सर याद रखोगे भार कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर देखो जब भी ऊपर की ओर जाएगा याद रखोगे तो एक व्यक्ति को अपना भार लिफ्ट में ज्यादा लगेगा, याद रखोगे ठीक है। बढ़िया, अमृतेश सिंह राजपूत, रियांश वर्टिकल अपवर्ड्स, महाकाल भक्त स्वागत है, मुसर्रत परवीन है ना, बढ़िया बढ़िया। सर पोइक्लोथर्मिक पूछा है, पोइक्लोथर्मिक तो कौन सा जानवर जो पोइक्लोथर्मिक हो बताइए, हाँ कौन सा हो जाएगा बताइए दोस्त, जो पोइक्लोथर्मिक हो जाएगा बताइए। कहते हैं ना कि इस बेगा इस क्या कहते हैं कि इस बेगानी दुनिया में उम्मीदों का सहारा लेकर, किस बेगानी दुनिया में उम्मीदों का सहारा लेकर हम तुम्हें फिर से चाहेंगे, एक उम्र दोबारा लेकर, एक उम्र दोबारा लेकर, बिल्कुल द टू एंड द फोर, मेढक और सांप। क्यों? क्योंकि याद रखोगे पोइक्लोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड को कहते हैं महाराज, किसको कहते हैं तो महाराज याद रखोगे कोल्ड ब्लडेड को कहते हैं, यह अनियत तापी को कहते हैं, किसे कहते हैं अनियत तापी, जिनके शरीर का टेम्परेचर नियत नहीं होता, मतलब जिनके बॉडी का टेम्परेचर समय के हिसाब से बदलता रहता है उसे पोइक्लोथर्मिक कहा जाएगा, याद रखोगे। ये सेट हो चुका है आई थिंक, मुझे भी लग रहा हो चुका है, आई थिंक मुझे भी लग रहा हो चुका है कि तेल फैलने से खराब हुई जगह को साफ करने के काम में आने वाला जेनेटिक अभियंत्रित द्वारा विकसित एक कुशल तेल पी जाने वाला सुपर बग किस प्रजाति का है, आई थिंक द सेम है ना, कोई ना छोड़ तो गए यार तुम भर भर के, चलो बढ़िया है। लास्ट क्लास सही है कि विच स्पीसीज इज एन एफिशिएंट ऑयल ड्रिंकिंग सुपर बग। अब देखो सुपर बग क्या होते हैं सर, ये होते हैं बैक्टीरिया। सुपर बग क्या होते हैं दोस्त याद रखोगे, ये होते हैं सर क्या, ये होते हैं बैक्टीरिया, और एक ऐसे बैक्टीरिया याद रखोगे कि यह एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करती, यह एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, याद रखोगे उसे कहा जाएगा सुपर बग। अब ये कौन सा हो जाएगा, सोडोमोनास द आर्थ्रोबैक्टर, तो सर क्या हो जाएगा द सेट्रोबैक्टर, ओम आशु बिल्कुल द स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास ठीक है स्यूडोमोनास। केसर क्या है सर, केसर, केसर क्या हो जाएगा द सैफ्रॉन इज, केसर क्या हो जाएगा बताओ सर। वर्तिका, वर्तिकाग्र सर इसे कहते हैं, एस्टामन, 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 फ्लावर बर्ड पुष्पकलिका या परिदल पुंज इसे कहा जाएगा सर, क्या इसे कहा जाएगा द कैलेक्स, द कैलेक्स बताओ सर क्या हो जाएगा सर एक फूल। अब देखो फूल के अंदर बात की जाए तो सर देखो जो केसर है, जो केसर, केसर के बारे में बात करें तो ये क्या है सर, इसे कहते हैं हम एंथर, ये क्या है, ये एंथर है, ये पोलन सैक है, इसके अंदर पोलन ग्रेन होगा। और देखो अगर मैं बात करूं, मैं अगर बात करूं तो देखो तो ये क्या होता है सर, ये आपका होता है स्टाइल ओवरी, और ये पूरा का पूरा स्टैमन, ये पूरा पूरा स्टैमन होता है। तो क्या हो जाएगा सर, यह एक प्रकार का वर्तिका होता है, यह पूरा का पूरा यह क्या सर, यह स्टैमन वाला हिस्सा, और स्टमक के अंदर ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ये ओवरी होता है, और इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, इस ओवरी के अंदर यह ओव्यूल होते हैं, इस बात को भी आप याद रखोगे, द आंसर विल बी वर्तिका, याद रखोगे ठीक है द वर्तिका, ठीक है द स्टमक। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है बताओ दोस्त, कि कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाएगा, जरा मुझे बताओ, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जिसमें सर क्या कोबाल्ट पाया जाएगा, देखो जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट क्या होगा दोस्त, कोबाल्ट, कोबाल्ट आपको पता है किसके अंदर पाया जाएगा, तो यह विटामिन B12 के अंदर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 का ही नाम आपको पता है क्या है, तो इसे ही कहते हैं द साइनो कोबाल्मीन, इसे ही क्या कहते हैं दोस्त, याद रखोगे इसे ही कहते हैं द साइनो कोबाल्मीन, और साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है, विटामिन B12 का नाम है, किसका नाम है महाराज, तो याद रखोगे ये नाम होता है विटामिन B12 का, B12 का, और इसके अंदर कोबाल से बना है, कोबाल्ट द विटामिन B12 ठीक है। और विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो वाटर के साथ साथ फैट सोल्युबल भी है, याद रखोगे कि यह वाटर भी है और वाटर के साथ साथ फैट सोल्युबल भी है, याद रखोगे ठीक है। एक के साइनोबैक स्पाइनो कोबाल्मिन 26 प्रतिभा आ रहा हूं
नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी हो? सर को ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी हो तो बताइए कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होगी। बढ़िया बढ़िया, मृदु लोहा, इस्पात, तांबा या एल्युमिनियम? ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर सर क्या आपको पता है किसकी बनी होगी? माइल्ड आयरन की। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप अप। अब इसको स्टेप अप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें याद रखोगे जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, इसलिए इसको स्टेप अप कहते हैं। जो कहां पे प्रयोग होगा? जो कमर्शियल पर्पस के लिए प्रयोग होता है। एक दूसरा होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ये आपके घरों में प्रयोग होता है, मतलब आपके गली मोहल्ले में। स्टेप डाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। याद रखोगे इसे कहा जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखोगे ये क्या करेगा? ये डीसी को स्टेबलाइज करेगा, और ये किसको स्टेबलाइज करेगा? यह एसी को स्टेबलाइज करेगा। याद रखोगे एसी इज द अल्टरनेटिंग करंट। याद रखोगे ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ताजे पानी की मछली है? तो ये बढ़िया, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, है ना, कि कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, कि तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला के रुलाए, तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, तुझे दू जबां तू ना कह सके, तुझे दू मकान तू ना रह सके, तुझे मुश्किलों में घेर कर कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं कि तेरे दर्द की मैं दुआ बनूं, बिना गर्ज के मैं सिवा बनूं। रोहू, रोहू और कतला, है ना, रोहू और कतला सर क्या है? ये ताजे पानी की मछलियां हैं, याद रखोगे ठीक है। क्लास क्लास जल्दी खत्म करेंगे ठीक है, क्योंकि आप टायर्ड लग रहे हो और क्लास जल्दी खत्म करेंगे। जीवित कोशिका के किस भाग में क्रेब का क्रेब साइकिल बनता है? बताओ सर, क्रेब की साइकिल काम करती है, बताओ जीवित कोशिका के किस भाग में सर क्या क्रेब साइकिल कार्य करती है? लेकिन कल से उसी एनर्जी के साथ वापस आना है ठीक है, कल से उसी एनर्जी के साथ वापस आना है। आज सर कैसे भी आज तो टाल मटोल के काम चल गया, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग सुबह से काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कल से व्रत होंगे, है ना, तो है सर ठीक है। अच्छा, कि तेरे दर्द की मैं दवा बनूं, कि बिना गर्द के मैं शिवा बनूं, है ना। अच्छा, कि जीवित कोशिका किस भाग में सर? माइटोकॉन्ड्रिया। सर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखो यहाँ पे क्रेब साइकिल चलता है। क्रेब साइकिल में होता क्या है समझना, वो जो क्रेब साइकिल है इसके अंदर ग्लूकोज, इसके अंदर जो ग्लूकोज है और एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और याद रखोगे इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है, जिसे आप बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हो, याद रखोगे जो इसका लास्ट प्रोडक्ट यानी जिसका बाई प्रोडक्ट है वो क्या होगा दोस्त? तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? पायरविक एसिड। क्या होता है दोस्त? याद रखोगे द पायरविक एसिड, द पायरविक एसिड क्या है? तो यह इसका बाई प्रोडक्ट होता है किसका? याद रखोगे क्रेब साइकिल का। टीवी सेट चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में किसका प्रयोग करते हो? ये सर आज आप भी बहुत टायर्ड लग रहे हो। नहीं दोस्त, मैं कभी टायर्ड नहीं रहता है ना, मैं या तो सैड रहता हूँ या तो हैप्पी रहता हूँ, मैं टायर्ड नहीं रहता। और सैड रहता हूँ तो मैं ग्रुप में आता हूँ और ग्रुप में खूब बातें करता हूँ, और हैप्पी रहता हूँ तो क्लास लेता हूँ। अब माइटोकॉन्ड्रिया से चंदन सर याद आते हैं, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया वाले सर, है ना। सर को टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल है ब्रो, सर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे। देखो जो माइक्रोवेव्स होती हैं, जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं क्या करती हैं दोस्त? तो ये टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करती हैं, याद रखोगे, है ना। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में इसका प्रयोग करते हैं, देखो जो माइक्रोवेव्स है। अब सिर्फ रिमोट बोल देता तो क्या होता सर? तो आपको पता है इंफ्रारेड हो जाता, याद रखोगे ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, भोजन समय ऊर्जा मिलती है किस प्रक्रिया से? बहुत अच्छा सवाल है अभी मुझे। अच्छा आप कल सर, नहीं कल तो टाइम नहीं कट रहा था, फिर तुम लोग साथ बात बात होने लगी थी, है ना। बताओ देखो, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है निम्नलिखित प्रक्रिया में? सर को जो भोजन से
रिमोट एम्बेडेड सिस्टम है, बिल्कुल सर। देखो कैसे सर, दैट इज द रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उपोहन विधि में प्रयोग करते हैं उपोहन, अपोहन, द डायलिसिस। डायलिसिस कब होता है? किडनी काम नहीं करती तब होता है, और किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करने का, तो ये क्या? किडनी। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आसान है ये भी, है ना, दो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, दैट इज द आर्गन, आर्गन, आर्गन। और देखो जितने बच्चों को नहीं पता है एक बात याद रखना कि देखो जो आपकी क्लास शाम 6 बजे हुआ करती है, 6 PM जो थ्योरी क्लास है, तो किसी कारणवश, अब वो कारणवश आपको नहीं बताऊंगा मैं, पर किसी कारणवश ये क्लास सर क्या आपकी शाम के 5 बजे चलेगी सर क्या, एक सप्ताह, एक सप्ताह यह जो क्लास है आपकी शाम के 5 बजे तक चलेगी, 6 बजे वाली क्लास याद रखोगे, एक सप्ताह के उपरांत, एक सप्ताह के पश्चात ये क्लास अपने समय अनुसार 6 बजे चलने लगेगी, याद रखोगे, ठीक है। इट इज द आर्गन। आर्गन क्या है दोस्त? यह एक इनर्ट गैस है जो आपकी प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्या है सर? आर्गन एक प्रकार की इनर्ट गैस है, याद रखोगे, ठीक है, बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? व्हाट इज द रस्ट दैट ऑकर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, है ना, बताओ। ट्रांसफार्मर को डीसी से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसफार्मर को बिल्कुल डीसी से लेना देना है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो आपके गली मोहल्ले में नहीं लगा होगा, जो बड़े बड़े विद्युत संयंत्रों पे लगा होता है, बड़े बड़े पावर स्टेशंस पे लगा होता है, वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें डायरेक्ट करंट को स्टेबलाइज करते हैं, याद रखोगे, ठीक है। चलो द आंसर विल बी द फेरस और फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। चलो दोस्त, तो आज की क्लास को खत्म करने का समय आ चुका है ना, और कुछ बातें हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप थके थके से लग रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कल से टाइमली आ जाना। मैं भी आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गया है ना, पर कल से मैं भी टाइमली आ जाऊंगा, है ना। चलो आज कुछ बातें, कुछ बातें कर लेते हैं आप सभी से। चलिए देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्त, देखो जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक लेके आया सर क्या? सुपर कोचिंग प्रोग्राम, जहां पे आप क्रैक बिहार गवर्नमेंट जॉब्स विद इंडिया सुपर टीचर आप क्रैक कर सकते हो। देखो क्या है खास बात, तो देखो सुपर कोचिंग में आपको क्या मिलेगा, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नीड ऑफ बिहार गवर्नमेंट जॉब्स। आप बिहार सीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें, जैसे 15 से अधिक वीडियो कोर्सेज, 650 से अधिक मॉक टेस्ट और 200 से अधिक स्टडी नोट्स और 1500 से अधिक डेली लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो आपके सुपर टीचर्स कौन होंगे? तो ऋषा शर्मा मैम, सोनी विजय मैम, गुरु रहमान सर, ये आपके सुपर टीचर्स होंगे। विवेक के कूपन कोड का इस्तेमाल करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर लोगे। और आ जाओ कुछ बातें हैं, है ना, कुछ बातें हैं आप सभी से करनी है, आज करते हैं थोड़ी सी, है ना, बढ़िया। अच्छा सुनना सारे, ये कहते हैं कि पन्ने पन्ने पर तेरी इबादत, है ना, कि पन्ने पन्ने पर तेरी इबादत, तेरा फसाना तेरी कहानी, कि पन्ने पन्ने पर तेरी इबादत, तेरा फसाना तेरी कहानी, किताब जहां जहां से खोली, मोहब्बत तेरी ही निकली, मोहब्बत तेरी ही निकली। और ये जो बातें हैं गर्दरमियां हमारे रह जाएंगी, ये जो बातें हैं गर्दरमियां हमारे रह जाएंगी, ये जो मुलाकातें हैं गर्दरमियां हमारे रह जाएंगी, तुम थाम किसी का हाथ आगे बढ़ जाओगे, ये तुम थाम किसी का हाथ आगे बढ़ जाओगे, तुम कहीं रास्ते में मुझे बिछड़ा हुआ पाओगे, पर जब भी पलट कर तुम्हें मेरी याद आएगी, उस चौराहे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करता मिलूंगा, तुम्हारे लिए मैं मरने के बाद भी जिंदा ही मिलूंगा, जिंदा ही मिलूंगा।
टिल देन गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सभी का, और थैंक यू, और छठी मैया आप सभी को सद्बुद्धि दे, नौकरी दे, है ना, थैंक यू।